चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब भारत ने अंतरिक्ष में एक और छलांग लगा ली है। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 ने सफलतापूर्वक लॉन्चिंग की। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज बिंदु पर स्थापित होकर सूर्य पर 5 साल तक नजर बनाए रखेगा, यानी 125 दिन में अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। वहीं सूर्य के भूत, वर्तमान व भविष्य को जानने में मदद करेगा। पैलोट VELC हर दिन सूर्य की 1440 तस्वीरें भेजेगा। उम्मीद है फरवरी 24 में पहली तस्वीर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही 15 लाख किलोमीटर का ये सफर 125 दिन में पूरा होगा। चीन ने 8 अक्टूबर 2022 को सूर्यान Kuafu-1 लॉन्च किया था। इसे पृथ्वी से 720 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया, जबकि आदित्य L1 की दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर होगी। चीन का स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के ऑर्बिट में है, लेकिन आदित्य L1 इससे बाहर होगा, यानी जो चीन ने नहीं किया वो अब भारत करेगा। आदित्य L1 यान भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला बनेगा, जिससे सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। ये सूर्य फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर व बाहरी लेयर कोरोना का अलग अलग कलर बैंड में अध्ययन करेगा। भारत से पहले अमेरिका, जापान, चीन व यूरोपीय यूनियन की स्पेस एजेंसियां सोलर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च कर चुकी हैं।